कंपनी का अमर भाई सबसे फास्ट कारीगर है और ये हमारा कंपनी, ये सलीम भाई, इसका एक नाम मुर्शिद भाई, क्या अली भाई नाम है इसका, ये सुनील भाई, ये हमारे कंपनी के सारे कारीगर, सबको सब फास्टर है, सबको सब अच्छे कारीगर है, सबको सब ईमानदार कारीगर है। ये देखो हमारा भाई इस तरह बना रहा है कड़पुट, बन कच्चा करा है, इसको जाते हुए इसको इस तरह से कच्चा करा है। देखो ना कितना पासवर्ड काम कर रहा है, ये हमारे कंपनी का सबसे फास्ट कारीगर है। तो इसके लिए कड़पुट एक मिनट का खेल, इस तरह से एक मिनट में कड़पुट रेडी हो गया एक पल्ला। अच्छा हमारे भाई इस तरह से कड़पुट बनाते हो तो दिन भर में कितने पीस बना लेते हो? 130 पीस। दिन भर में 130 बना लेते हो तो कितना रुपये मिलता है एक पीस का? एक पीस का 13 रुपये। एक पीस का 13 रुपये मिलता है दोस्तों, 130 पीस दिन भर बना लेता है हमको, कितना रुपये का ऐसा ही काम मिले, 13-14 रुपये का रोज का काम होता है। हाँ, 13-14 रुपये का रोज का एक काम कर लेता है आसानी से, तो इसके लिए सरकारी नौकरी वाला भी फेल है यार, ये काम सीखना पड़ेगा। ऐसे ही काम किया था तो 56,000 रुपये पगार निकाला था मात्र 34 दिन में 56,000 का पगार, 56,000 रुपये का, ये तो बहुत बड़ी मोटी पगार है, ये तो सरकारी नौकरी वाले। आपको ऐसा लगता है कि हमारा, मैं अपना यूट्यूब का नंबर दे रहा हूँ आपको, उसमें सब्सक्राइब करके हमारे को लाइक करो, मैं तुमको बताऊँगा। अच्छा आपका यूट्यूब का आईडी क्या है, आप आईडी बता सकते हो? आईडी हमारा मिस्टर अमर पाल के नाम से है। अच्छा मिस्टर अमर पाल के नाम से भाई, इसके आईडी आप जाके देख सकते हो। और जैसे कि किसी को अगर जॉब वगैरह ये बनवाना है तो वीडियो को लास्ट में अपना नंबर मिलेगा, तो किसी को संपर्क करना है, नंबर को कॉल करना है आप लोगों को। अच्छा अमर भाई, किसी नया इंसान को सीखना है अगर ये लाइन में आना है तो कैसे काम सीखेंगे? ये देखो जहाँ तक मैं तुमको बताऊँ तो अगर काम ये सीखना है पूरा काम, हाँ पूरा काम, पहले नंबर पे हेल्परी से चालू करना चाहिए। हेल्परी में क्या होता है? में हेल्परी में ऐसा जैसे कि मार्किंग करना हुआ, इसका पीस का घड़ी करना हुआ, धागा काटना हुआ, वहाँ से क्या कारीगर काम करता है, ऐसे तुमको देखना पड़ेगा कि कारीगर कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ उठा रहा है, क्या फ्रेंड है, क्या जाती है, ठीक है, क्या बैक फ्रेंड है, ऐसे करके तुमको चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा 2-3 महीने में। दो से तीन महीना आपको हेल्परी करेगा ना? हाँ वो तो 2-3 महीने वो कितना रुपये कमा लेंगे? मैं लमसम में हेल्परी में करीबन अपने लेडीज है तो मैं 250 रुपये देते हैं, अब कोई जेंट्स लड़का है तो आधा घंटा लेके करता है उसको 300 रुपये प्लस मिलाएंगे। ड्यूटी कितना करना घंटा करना पड़ेगा? ड्यूटी लमसम में हमारे 11-12 घंटा ड्यूटी चलता है। इतनी आठ करना पड़े? हाँ 9:30 बजे से मतलब 8 बजे तक तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा सीखने के लिए ना? हाँ कोई भी हो, अगर यहाँ पे अहमदाबाद में तो ऐसा ही टाइम चलता है कि 9:30 बजे चालू होता है कंपनी, अपने 8 बजे तक चलता है, बाकी दिवाली के टाइम पे सीजन के टाइम पे 10-11 भी बज जाता है। तो दिवाली के टाइम में तो पगार ज़्यादा मिलता होगा हेल्परों को? दिवाली हेल्परों वहाँ पगार बढ़ता है ना, अगर ओवर टाइम करेगा उसका अपने अलग से पैसा देते हैं। जैसे मान लिया आपने एक मिनट में, मैं देख रहा हूँ कि आप एक मिनट में नहीं मैं देख रहा हूँ कि 2 मिनट में आप कड़पुट बना देते हो। जैसे कि ये हमारा सिंगल फोन है, ये हमारा 3 मिनट में हम ये जवाबी बना के तैयार कर देते हैं। यानी 3 मिनट में आप जोड़ी बना देते हो? जोड़ी बना देते हैं, 3 मिनट में 13 रुपये तैयार होता है। 3 मिनट में आप 13 रुपये यानी कमा लेते हो। हाँ। इस तरह से कारीगर बनना है तो उसको कितना दिन में तैयार हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 3 महीने जैसे आपको हेल्परी करना पड़ेगा, फिर आपको मशीन का बॉबिन टुपी कैसे पासते हैं, कैसे सुई लगाते हैं। अरे ये बॉबिन टुपी क्या होता है? बॉबिन टुपी जैसे कि ये है, जैसे कि ये हमारी बॉबिन है, बराबर ये बॉबिन है और ये हमारी डब्बी है, इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे डालेंगे, यहाँ पे ऐसे फंसाना पड़ेगा, फिर ये नीचे शटर, ये मशीन के अंदर जो शटर है उसके अंदर ऐसा ये जाएगा, शटर फंस गया बराबर। ये सादा मशीन होती है, उसको पहले ऐसे करके धागा भी निकाल देते ऊपर, ऐसे धागा आ गया तो मशीन मतलब धागा से चलेगी,
अब ये कंप्यूटर मशीन है, इसमें धागा वागा निकालने कोई टेंशन नहीं है, ये सब इसको 3 महीने में हम सिखा के तैयार कर देंगे। चलिए 3 महीने में सब कुछ सीख जाएगा, सब कुछ सिखा देंगे, उसको किसी तरह का डर नहीं रहेगा ना, कोई चीज़ का डर नहीं है, फिर उनको काम का रहेगा। जैसे कि धारी की सिलाई क्या होती है, बनेट की सिलाई क्या होती है, धारी की सिलाई क्या हुआ, जैसे कि अभी आपको मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको स्पीच में समझा देते हैं। जैसे कि ये लगी है ना हमारी सिलाई, ये वाली किनारी पे, यानी कि 0-0 ये सिलाई है, ये धारी की सिलाई है। इसके जस्ट अगर बाजू में अपने सिलाई एक लगाते हैं वो बनेट की सिलाई हो जाती है। ये यहाँ पर इतना दूर में लगाया, ये क्या हुआ, ये पॉकेटिंग हमारा लॉक होता है, ये चाप का सिलाई में लॉक कर देते हैं। अच्छा, इसको चाप का सिलाई बोलते हैं ना, जैसे ये दूर दूर लगाते हैं, चाप का सिलाई है ना, ये चाप का सिलाई में कवर करते हैं ताकि ये अंदर से है ना ये हमारा पैक हो जाए, यहाँ पे पहुँचाने के लिए। हम कंपनी वाले क्या करते हैं, यहाँ पे लॉक करवाते हैं सिलाई, उसका पैसा हमको ज़्यादा देना पड़ता है, यानी 50 पैसे सिलाई, 2 रुपये प्लस देना पड़ता है। ये हम अपनी थैली प्लीज इस तरीके से कराते हैं तो हमारा 2 रुपये इसमें बच जाता है, इसमें कारीगरी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं, उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलता है। अच्छा अच्छा, हम तो कारीगरी गति में ऐसा काम कराते हैं, बाकी अपने को कोई नहीं, 2 रुपये प्लस चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कारीगर हेल्पर ही में आपको 2 से 3 महीना करना पड़ेगा, फिर आपको मैं मशीन जैसे लेवल हुआ लगाने के लिए, पैपिन हुआ लगाने के लिए, और हम चीज़ें ऐसे सिखाएंगे हमको, फिर धीरे धीरे फैन बैग दीपर सब कुछ लगाना तुम चालू कर सकते हो, फिर तुमको पीस रेट पे हम ला देंगे, तुम्हारा जितना इच्छा है पीस रेट पे काम। यानी समझो हमारे पास अगर 3 महीना वो लड़का हेल्पर ही करेंगे तो सीखने में उसको 300 रुपये रोज मिलेगा, यानी कि समझो कि 9 से 10 हज़ार रुपये महीना मिलेंगे उसको। उसके बाद जब 3 महीना वो सीख जाएंगे तो मिनिमम कितना 1000 रुपये महीने कमाएंगे वो, ये सिलाई आपके लाइन में। अभी ओपनिंग में तो तुम 300 रुपये में चालू कर रहे हो, ठीक है, तो 9000 रुपये 30 दिन का 9000 रुपये पगार बनेगा, तब उसके बाद तुम सब कुछ सीख जाओगे तो तुमको पीस रेट पे डाल देंगे। पीस रेट पे क्या होता है, तुम अगर 100 पीस बनाओगे ये तो तुम्हारा 1300 रुपये का काम होगा, अगर 50 पीस बनाते हो तो 750 रुपये का काम होगा। यानी समझो तो मान लो 50 पीस तो काम कारीगर बना ही देता है, बना देता है ना, बना ही देता है, तो 750 के सामने 21,000 रुपये ज़्यादा काम पगार तुम्हारा बन जाएगा। यानी कम से कम तो 21,000 रुपये तो कमाई लेंगे। हाँ, 21,000 रुपये 21,000 रुपये 50,000 बोले तो 50 पीस आ सकते हैं ना। नहीं, इतना तो काम नहीं चलता मार्केट में, 50 तक लमसम 20-30 तो पहुँच ही जाएगा। यानी 50 पीस अगर बना रहा है तो समझ लो 20-21,000 रुपये तो यही कमा रहा है। हाँ। अगर काम अगर आया ऐसा रनिंग में और वो कारीगर अच्छा काम कर रहा है, मेहनत वाले काम है, जैसे कि यूपी बिहार वाले अभी देखो कितना हार्ड वर्किंग करते हैं, इस तरह से काम करे तो फिर वो अच्छा पगार लाएंगे। हाँ, पगार लाएगा ना, क्योंकि हमारे यूपी बिहार वाले जितने भी भाई हैं हमको बताना चाहते हैं कि बस मेहनत करते रहिए, इधर से पैसा लेके अपने यूपी बिहार में गारमेंट के अंदर डाल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे ला रहे हैं फैक्ट्री, अपने सब लोग वहीं पर जाएंगे, ये गुजरात छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या भाव पानी कम रहता है, तो अपने बस वहीं पे जाना है। यार भाव पानी कम है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप काम चलता है, लेकिन ये क्या अब कितना कमाओगे, 1400-1500 रुपये तो रोज के कमा रहे हो भाई, लमसम तो सरकारी पगार भी नहीं है। ऐसा है जैसे कि ये कट पॉकेट चलता है ना, तो हम 120 पीस 130 पीस बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने ये पीस आ जाता है दमन, ये साइड वाला आपको दिखा दे, आपको दिखाना चाहते हैं पीस को, कैमरामैन को बोलेंगे आप थोड़ा दिल लाइए पीस में, जैसे कि कैमरामैन इधर दिखा सकते हैं आप वीडियो बना के इधर हमारे 10 लोगों को, जैसे कि ये कट पॉकेट वगैरह आता है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। ये चैन लगानी है अंदर, उसके बाद ये खोल के ऐसे पूरा पैक है तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, इसमें थोड़ा दिन हाथ रुक जाता है, तो इसमें जैसे कि इसमें जो कट पॉकेट में होता है कमाई वो इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है, फिर भी इसमें मिनिमम कितना हो जाता है, दिन का टारगेट हो जाता है। अच्छा, यानी इसमें 1000 रुपये कमा लेंगे, उसमें 1400 रुपये कमाते हैं। कैसे है, जब महीने पर देखा जाए तो 1000 रुपये का टारगेट रोज का पड़ता है, यानी समझो कि 30,000 किसी दिन 1500 का भी होता है तो किसी दिन 800 का भी होता है, यानी कम से कम 30,000 रुपये तो पगार ला देंगे, 30,000 रुपये लमसम में आ जाएगी पूरा। ठीक है, हमारे भाई आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, इस तरह से जिस नया कारीगर को अगर ये काम सीखना है, ये गुजरात अहमदाबाद में ये कंपनी है, इसमें से मैं इधर कैमरामैन से कहना है, अहमदाबाद नारोल इसनपुर के बीच में जो मेगा क्लास है वहाँ पे आना, मारुति गारमेंट के नाम से आपको ये कंपनी मिलेगी उपलब्ध, और किसी को कहीं कोई भी कारीगर नहीं है जगह उसको जहाँ पे मिलेगी जगह, और मैं सपोर्ट करूँगा उसको, मैं कारीगर बनाऊंगा जो भी इसमें कारीगर है, ये जो काम जानता है, जींस का काम सिलाई होता है, देखो ये मारुति गारमेंट हमारे जींस बनता है, ये कॉटन जींस बनता है, यहाँ पे जो भाई इसमें कारीगर है, यहाँ पे ये मारुति गारमेंट नाम से कंपनी है, इसनपुर अहमदाबाद में है, और मोबाइल नंबर हमारे ले लो आप, इसनपुर अहमदाबाद में ये कंपनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर में दे दूंगा, आप ये वीडियो देख के यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे काम तो ऐसा 12 महीने बोल रहे हैं हमारे भाई, ये हमारे भाई बता रहे हैं 12 महीना कंपनी बंद चालू ही रहती है, कभी बंद नहीं होती हमारी, ये हमारे भाई का कहना है कि 12 महीने कंपनी चालू रहते हैं, 9 से 8 बजे तक काम चलते हैं, एक दिन का कम से कम आप 1200-1400 रुपये कमा सकते हैं आराम से। आप जिस कारीगर को कंपनी जरूरत, जिसको नॉलेज है इस लाइन के, आप संपर्क कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, बाकी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और शेयर कर दो, धन्यवाद।